जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएसएफ एचसीएम का आपका एएसआई का फॉर्म सिलेक्ट तो अच्छी तरह से हो गया था, अभी इसका स्टेटस आना बाकी, जो कि अभी सितंबर मंथ में आपका आ जाएगा। वैसे खास तौर पर काफ़ी यूट्यूबर है वो बोल रहे हैं आपका सितंबर में क्या फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में हमें ऐसे तो है नहीं कि ये आपका बीएसएफ ही पूरा कंडक्ट करवाएगा। इसमें दोस्तों आपका असम राइफल हो गया, सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ होगा, जिसका भी जो सेंटर नज़दीक में लग रहा है आपके घर के नज़दीक में, तो वही सेंटर के आपका रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपको पता होगा, यह भी नहीं है कि 20-30 हज़ार फॉर्म भरे गए, कि 7 से 8 लाख फॉर्म की संख्या भरी गई है, तो काफ़ी टाइम इसमें लगने वाला है। तो अभी दोस्तों आपका 15 से 20 दिन बाद में आपका क्या है SSC GD का क्या फॉर्म, मतलब फिजिकल आपका क्या स्टार्ट होने वाला है। तो उनका फिजिकल कंप्लीट होते यानी कि अक्टूबर मंथ में आपका क्या फिजिकल होने के पूरे चांस है, यानी कि 101% ही बोल रहे हैं। काफ़ी हम जो दोस्त लगे हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपका अक्टूबर मंथ में क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर तो पूरा आपका क्या रहेगा दोस्तों SSC GD का, 1 महीने से 1.5 महीने के लगभग फिजिकल चलेगा, तो वो चलेगा उस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम एएसआई की जो भर्ती है उसका फिजिकल अभी जल्दी ही होने वाला है, उसके लिए आपका क्या रिटर्न होने वाला है जल्दी उसके साथ ही, फिजिकल के साथ ही। तो उसमें दोस्तों आपके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की रहने वाली है, जिसमें दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है जो कि पीछे जो भर्ती हुई थी उसमें आए थे, और 2350 बहु विकल्पीय क्वेश्चन है, ये 100% गारंटी से दोस्तों ये क्या क्वेश्चन आपके मतलब रिटर्न में आने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। भर्ती 2024 के अंदर जो आपकी HCM ASI की जो भर्ती है उसके लिए 1 नंबर की बेस्ट बुक है दोस्तों, तो इसके लिए आप परचेज जरूर कर लेना दोस्तों इस बुक को, ठीक है। और पूरा इसमें क्या प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से इसमें दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे नंबर लास्ट तक आपका क्या है BSF HCM का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों BSF HCM यानी कि आपका सभी पैरामिलिट्री फोर्स इसमें क्या है CAPF के आधार पर सभी शामिल हैं, तो इसमें दोस्तों फिजिकल होने वाला इस बार ही होने वाला। इस बार देखिए जैसा कि दोस्तों आपका CRPF CISF होगा, ये फिजिकल नहीं करवाता था पहले हाइट वेट और चेस्ट करवाता था, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका क्या है पूरा ये फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा होता था, ठीक है। और अभी क्या कर दिया दोस्तों, PET कर दिया और PST दोनों कर दिया, तो दोनों में दोस्तों आपका रनिंग भी होगा, हाइट भी होगा, वेट भी होगा और चेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रिया क्या आपकी रहने वाली है। वैसे दोस्तों जो भी सेंटर में हम जाते हैं वहाँ पे पहले गेट में ही आपका हाइट का मेजरमेंट के लिए लगाया रहता, तो जिसका भी हाइट यानी कि 1.65 यानी 165 सेंटीमीटर तो आपका मेल कैंडिडेट का रहता है और 155 फीमेल का रहता है, तो जिसका भी उससे भी कम रहेगा ना इस बार, तो उसको क्या गेट से ही मतलब बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आगे उनका क्या हाइट मेजरमेंट में कोई दिक्कत है ना आए, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती ऐसी है जिसकी हाइट कम रहती है वही कैंडिडेट इसमें क्या अप्लाई करता है, और जिसका अच्छा खासा टाइपिंग रहता है वही अप्लाई करता है इसमें, यानी कि 50% कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता दोस्तों कि टाइपिंग भी होने वाला है इस बार, ये पता फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल की बात क्या हो जाएगा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे ओबियसली बात ये है कि दोस्तों इस भर्ती का अभी जल्दी क्या सूचना मिलने वाली है, क्योंकि SSC अभी जल्दी आपका क्या है नोटिस जारी कर दिया न्यू भर्ती के लिए, न्यू भर्ती यानी कि न्यू का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27 तारीख डेट दी थी, लेकिन अभी क्या है 5 सितंबर से क्या है उसका भी क्या है फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्तों। इसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि इसमें 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 तो दोस्तों इसमें फॉर्म भरे हैं BSF HCM में, जो कैंडिडेट SSC GD में पास हुआ वो कैंडिडेट BSF HCM में भी मतलब पास हुआ, तो वो कैंडिडेटों की भी क्या कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें उनका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा पहले, तो उसका क्या है उसमें ये कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। उससे और भी दोस्तों आपकी भर्ती हूँ काफ़ी क्या ज़्यादा थोड़ा लेट करेगा, तो उस हिसाब से अभी रेलवे ELP टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसका भी क्या रिटर्न वगैरह जल्दी करवाने की बोल रहे हैं, तो काफ़ी हमारा क्या कंपटीशन धीरे धीरे क्या सभी में कम हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें कंपटीशन मेन रहता आपका फिजिकल का, तो फिजिकल में भी दोस्तों कंपटीशन टूट जाएगा, उसके बाद रहता आपका मतलब जिसका फिजिकल और जो आपका रिटर्न की तैयारी कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी दोस्तों, इस चीज़ का आपको पता है, और ये दोनों अपना आराम से कर लेगा दो कैंडिडेट। और जिसका 35 का स्पीड घर पे इंग्लिश का आ रहा और हिंदी का आपका 30 का मतलब स्पीड आ रहा, तो आराम से आपका क्या है टाइपिंग भी आराम से निकल जाएगा, उसमें भी कोई भी आपका दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों BSF HCM आपका जल्दी क्या है फिजिकल डेट निर्धारित करेगा। पहले तो आपको पता है स्क्रूटनी प्रोसेस वगैरह रहेगा, उसमें क्या आपका फॉर्म वगैरह मतलब चेक किया जाएगा कि मतलब रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ भी आपका होना अनिवार्य है, जो कि आपका जो भी हम मेल ID के थ्रू हम पासवर्ड लगा के देखेंगे
तो वो उस हमारा जो BSF का साइट है वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। और जल्दी आपका क्या है, इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड का बोलेंगे कब तक, फिर भी कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या है, एडमिट कार्ड वो 10 से 15 दिन पहले, अभी एक बार तो स्टेटस तो चेक होने दो, स्टेटस चेक होने के बाद आपका क्या है हो जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों आपका क्या है, ये भी आपका जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।